iPhone 12 को देखकर सबको यही लगता होगा कि iPhone 11 के कैमरास के साथ या फिर किसी एंड्रॉयड फ्लैगशिप के कैमरास के साथ कंपेयर करना चाहिए हम वो भी करेंगे लेकिन उसके पहले रोशीला मैंने सोचा कि क्यों ना एक 80,000 के iPhone को एक 20-25,000 के एंड्रॉयड फ़ोन के साथ टक्कर लगाया जाए और इनफैक्ट ड्यूरिंग द सेल सीजन सैमसंग गैलेक्सी एम फिफ्टी वन जो है वो एक्चुअली ट्वेंटी थाउजेंड के प्राइस तक आपको मिल रहा था जिसका मतलब ये है कि आई फोन ट्वेल्व चार गुना महंगा है कंपेयर टू द गलेक्सी एम फिफ्टी वन लेकिन क्या आई फोन ट्वेल्व के कैमराज चार गुना बेहतर है कम्पेयर टू द गलेक्सी एम फिफ्टी वन टेल्व मेरा नाम है ऐशाद आप देख रहे हो माई स्मार्ट प्राइस और उस क्वेश्चन का आंसर इस कैमरा कम्पेरिजन वीडियो में आपको पता चल जाएगा प्लस काफ़ी सारे राज खुलने वाले सुस्टेट so आप अगर दोनों फोन के कैमरा स्पेक्स को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आईफोन ट्वेल्व सस्ता है और गैलेक्सीन महंगा वाला क्योंकि पीछे की तरफ एम में आपको मिल जाते हैं चार कैमरास और आई फोन ट्वेल्व में केवल दो सैमसंग गैलेक्सी का मेन कैमरा जो है वो एक सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल का सोनी आई एम सेंसर वाला कैमरा है प्लस आपको मिल जाता है एक ट्वेल्व मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा फाइव मेगा पिक्सल का मैक्रो कैमरा और एक फाइव मेगा पिक्सल का डेप्थ कैमरा भी मिल जाता है आगे आपको मिलता हैर्टी टू मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा आई फोन ट्वेल्व की कैमरा स्पेक्स काफी सिंपल है तीन ट्वेल्व मेगा पिक्सल कैमरास है दो पीछे की तरफ मेन और अल्ट्रा वाइड और एक 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा तो ये था कैमरा का स्पेक्स जिससे आपको कुछ भी कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में जज करने नहीं मिलेगा चलते एक्चुअल इमेज की तरफ पहले कंपैरिजन सैम्पल्स में आप देख सकते हो कि आईफोन 12 का कॉन्ट्रास्ट गैलेक्सी M51 के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है कलर भी ज्यादा एक्यूरेट है लेकिन वो मैं कलर सेक्शन में डिटेल बता दूंगा अब हम चेक करेंगे डिटेल्स एट क्रॉप या फिर एक्चुअल पिक्चर साइज में M51 का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल का कैमरा मिल जाता है कंपेयर टू ट्वेल्व मेगा पिक्सल ऑन दी आईफोन ट्वेल्व जो एप्पल सालों से यूज करता आया है ये एप्पल का स्नैप ड्रैगन सिक्स ट्वेंटी फाइव है जो समझा तो नीचे कॉमन में बताना एनी वे हंड्रेड परसेंट क्रॉप में आप क्लियरली देख सकते हो कि पीछे के झाड़ और बुशेस और पत्ते और दीवार और ईंटे सब में

इन डीलाइट एंड एप्पल यहां पर पीछे रह जाता है पहले राउंड में भयानक रिजल्ट मिल गया हमें अब आगे बढ़ते हैं और एप्पल ने स्मार्ट एचडीआर टेक को इस साल अपग्रेड किया है आईफोन 12 सीरीज में आपको अब स्मार्ट एचडीआर 3 टेक्नोलॉजी मिल जाता है और भाई साहब यहां पर आईफोन 12 जो जादू दिखाता है वो काफी काबिल तारीफ है बस आप सन की तरफ देखोगे तो समझ जाओगे कैसे आसानी से ब्राइट लाइट को कंट्रोल कर सकता है आईफोन का एच डी लेकिन सच कहूँ तो गैलेक्सी एम फिफ्टी का डायनेमिक रेज परफॉर्मेंस भी सही है सैमसंग का अच्छा ही होता है जनरली अगर आप नोट 20 जैसे फ्लैगशिप के, के पिक्चर्स को आईफोन 12 के साथ चेक करोगे तो कड़ी टक्कर दे सकता है आईफोन को सैमसंग का फोन सैमसंग गैलेक्सी एम ने भी बढ़िया काम किया है यहां पर कलर एक्यूरेसी के मामले में दोनों फोन्स काफी सिमिलर है दोनों ही रेड एंड ब्लू को थोड़ा सा कर देते हैं बस सकते हो इनफैक्ट मैंने किया है एंड आप देख सकते हो यहाँ दोनों काफी सिमिलर लग रहे हैं अल्ट्रा वाइड में आई 12 के इमेजेस काफी बेहतर है कंपेयर टू गैलेक्सीन एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड क्योंकि मेन कैमरास के अलावा मिड रेंज फोन में बाकी सारे कैमरास थोड़े फीके हैं आपको कलर्स बेहतर दिखेंगे प्लस डिटेल्स ज्यादा अच्छा है क्लोज क्रॉप एंड दूसरे सैंपल इमेज में डायनेमिक रेंज भी बेहतर दिखेगा माइक्रो कैमरा मिड रेंज और बजट फोर्स में काफी कॉमन हो चुके हैं पर आज हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पर आप देख सकते हो आई 12 के रेगुलर कैमरा के साथ आपको ज़्यादा शार्प मैक्रो शॉट्स मिल जाते हैं कंपेयर टू डेडिकेटेड 5 मेगा पिक्सल माइक्रो कैमरा ऑन द गैलेक्सी M51 तो ये कैसे हुआ वेल मैंने थोड़ा सा ट्रिक खेला है यहाँ पर मैंने 2x डिजिटल जूम यूज़ किया इनफैक्ट डिजिटल जूम के साथ आई फोन के ट्वेल्व मेन कैमरा के साथ भी आपको एक्सिलेंट शार्प डिटेल्स मिल जाते हैं जो एक्चुअली सैमसंग के फाइव एम पी कैमरा को आसानी से टक्कर दे सकता है मैक्रो कैमराज अ प्योरली अ मार्केटिंग गेमिक नहीं माने वेल well, अब ये देखो मैंने सैमसंग के 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा को उसके 16 मेगापिक्सल मेन कैमरा के 2x डिजिटल जूम शॉट के साथ कंपेयर करके दिखाया है क्यों चौक गए अब तो मान लो कि मैक्रो कैमराज यूजलेस वी वॉन्ट टू पोर्ट्रेट मोड सच कहो तो आईफोन 12 के फेशियल टोन्स एक्यूरेट है बट सैमसंग गैलेक्सी वन का एच डिटेक्शन तो एकदम सही है लेकिन जो फेक डेप्थ इफेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा क्लीन लग रहा है आईफोन ट्वेल्व में क्योंकि जहां मेरे बाल और कार मिलते हैं वहां थोड़ा सा गैलेक्सी एम फिफ्टी वन का फेक ब्लर इफेक्ट मार खा गया है

जो एप्पल का एक नया टेक्नोलॉजी है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था पिछले साल इस साल डीप को और भी बेहतर कर दिया और सारे कैमराज में ऐड कर दिया और इस डिफ्यूशन के कारण पिक्चर्स ज्यादा शार्प लगते हैं इंडोर्स एंड इन लो लोलाइट कंडीशन आई फोन ट्वेल्व आप प्रूफ के लिए कॉफी टेबल की तरफ नजर डाल सकते हो बट मुझे पता है कि काफी लोग कहेंगे कि ये तो पीपिंग हुआ ऐसे कौन दिखता है आप अगर हमारे तरह टेक्निकल डिटेल्स नहीं ढूंढ रहे हो तो दोनों पिक्चर्स में कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको अब चलते हैं इनडोर सेल्फीज की तरफ फर्स्ट क्लास में ही आपको दिख जाएगा कि आई फोन का फेशियल टोन काफी ज्यादा एक्यूरेट है और यहाँ पर एम के सेल्फी के फेस टोन का कलर करेक्शन थोड़ा और मुश्किल है लेकिन जस्ट लाइक डीलाइट सेल्फीज दोनों में कोई अंतर नहीं है अगर हम हंड्रेड परसेंट क्रॉप के शार्पनेस की बात करें तो चलते लो लोलाइट पिक्चर्स की तरफ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ नाइट मोड सैंपल्स कंपेयर करने वाला हूँ यहाँ पर लो लोलाइट में आजकल रेगुलर मोड में शूट करता भी है क्या कोई और वैसे भी एप्पल तो ऑटोमेटिकली शटर स्पीड को कम कर देता है ताकि ज्यादा लाइट आ जाए anyway, आप देख सकते हो कि गैलेक्सी गैलेक्सीन थोड़ा ज्यादा लाइट खींचता है स्पेशली आगे वाले बिल्डिंग की तरफ लेकिन अगर आप पिक्चर के कोने में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आईफोन डिटेल्स को रखता है मगर नॉइस को हटाने के लिए कुछ नहीं करता बट दैट्स एक्चुअली गुड क्योंकि गैलेक्सी वन के नॉइस कंप्रेशन एल्गोरिदम जो है उसने तो एकदम खराब कर दिया यहाँ पर डिटेल्स को अब क्लोजअप में ऐसे लगता है कि किसी चार साल के बच्चे ने कुछ गलत ड्रॉइंग किया है यहाँ पर बात यही है कि फोन का प्रोसेसिंग इज वे बेटर कम्पेयर टू इन गैलेक्सीड एनी वे अगले पिक्चर में आपको साफ साफ पता चल जाता है आई फोन ट्वेल्व कैसा किंग है इन नाइट मोड जहां पर गैलेक्सी को इवन फोकस मेंटेन करने में तकलीफ ही हो रही थी वहीं पर आई फोन 12 ने फोकस के साथ साथ डिटेल्स भी बाहर निकाले हैं एंड अल्ट्रा अल्ट्राइड एगर लोलाइट मोड में बात फिर से सिमिलर निकलता है आई फोन ट्वेल्व माना की आपको नॉइस देखने को मिलेगा बट उसके कैमरा ने गैक्सी एम फिफ्टी वन की तरह नॉइस करेक्शन करके वॉटर पेंटिंग नहीं

12 सीरीज एक पहला स्मार्टफोन है इनफैक्ट एक पहला कैमरा सिस्टम है इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कैन रिकॉर्डी विजन एच डी आर वीडियो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि डॉल्बी विजन में आपको बिट रिकॉर्डिंग मिल जाता है जो डायनेमिक रेंज परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया हो जाता है इनफैक्ट इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड वेन इट कम्स टू डायनेमिक रेंज परफॉर्मेंस अब आप आई फोन ट्वेल्व में डॉल्बी विजन एच डी आर फो के थर्टी एफ पी एस सेटिंग तक रिकॉर्ड कर सकते हो और आई फोन ट्वेल्व प्रो और ट्वेल्व प्रो मैक्स में आप फोकी सिक्सटी एफ पी एस तक भी डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग कर सकते हो लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है है ये डॉल्बी विजन फॉर्मेट जो है, वो ज़्यादा नहीं है इनफैक्ट अगर आप डॉल्बी विजन देखना चाहते हो यूट्यूब पर या फिर ट्विटर uh, पर सो so, पर तो या इंस्टाग्राम पर आप नहीं देख सकते हो इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ अब मेरे पास एक डॉल्बी विजन कंपेटेबल टेलीविजन है विच इज द वन प्लस टीवी और उसमें वीडियो चल गया था बट वो भी उतना अच्छे से दिखा नहीं पा रहा था क्योंकि इसका ब्राइटनेस लेवल जो होता है जो ये पैक इन कर सकता है वो कुछ ज्यादा ही है कंपेयर टू रेगुलर you वीडियोस know, अब इन सब पैरामीटर्स को एक साथ इकट्ठा करके अगर आप देखोगे तो फिर आई फोन 12 सीरीज जो है ऑब्वियसली साल का ही नहीं लेकिन दुनिया का अब तक का बेस्ट वीडियो कैमरा फोन है अब ज्यादातर मिड रेंज फोन में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में कॉम्प्रोमाइज करना होगा और यहां पर भी कुछ कहानी ऐसे ही है गैलेक्सी फिफ्टी वन फो के तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है लेकिन स्टेबिलाईजेशन आई फोन टिजन में खराब है कलर्स डायनेमिक रेंज साउंड क्वालिटी स्टेबलाइजेशन सारे पैरामीटर्स में आई फोन ट्वेल्व में गजब के हैं सैमसंग गैलेक्सी एम फिफ्टी वन मैक्सिमम फो के थर्टी एफ पी एस तक आ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है तो मैंने आई फोन में भी फो के थर्टी एफ पी एस का रिकॉर्डिंग रख दिया है बट आई फोन कैन शूट एट फो के सिक्सटी एफ पी एस एज वेल आप बता दीजिए कॉमेंट्स में आपको कैसे लगा साउंड क्वालिटी मैं यहाँ पर ये वीडियो अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि हमें सडनली याद आया कि आई फोन ट्वेल्व का जो वीडियो है उसमें ब्राइटनेस थोड़ा उड़ गया है एंड यू कैन सी दैट और आपके मन में ये डेफिनेटली डाउट आया होगा तो मुझे क्लियर डेफिनेटली करना है यहाँ पर आ, ये ऐसे हुआ क्योंकि आई फोन ट्वेल्व में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो फोके थर्टी एफ पी एस एच डी आर डॉल विजन में रिकॉर्ड हुआ है और इसमें ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा होता है तो इसी कारण क्या हो गया है कि ब्राइटनेस जब एच डी आर टू एच डी आर कन्वर्शन में काफ़ी ज़्यादा उड़ गया है मैं एक चीज़ करता हूँ जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है उसका फाइल जो है मैं एक्चुअली लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से जाके आप डाउनलोड करके अगर आपके पास कोई डॉल रेडी सपोर्ट वाला कोई भी डिस्प्ले हो टी हो सकता है फोन हो सकता है उसमें आप ट्राई करके देखिएगा मे में भी आपको ज्यादा बेटर फुटेज देखने में मिलेगा बट दैट इज़ ईजॉलो डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ डिस्प्ले एंड द क्वालिटी यू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डॉल सपोर्ट होना चाहिए आई चाइडेड ऑन आई वन प्लस टी वी एंड इट वर्क लाइक आई सेट बिफोर अब फोन ट्वेल्व के फ्रंट कैमरा के वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आईफोन 12 ट्वेल्व में क्रिस्प डिटेल्स मिल जाते हैं प्लस आपको इलेक्ट्रॉनिक भी क्वालिटी का काफी बढ़िया है बट यहाँ पर दोनों फोन के बीच का प्राइस डिफरेंस दिख जाता है साफ साफ पूरे कंपैरिजन में मेरा एक कांस्टेंट फीलिंग यही था गैलेक्सी एम सही में कंधे से कंधे मिलाकर आईफोन 12 के साथ चलता है एक्सेप्ट फॉर लो लाइट परफॉर्मेंस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे कहीं पर ऐसे नहीं लगा कि मैं एक 80,000 के फ़ोन को 25,000 के फ़ोन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये भी उतने ही तगड़े पिक्चर्स ले सकता है इनफैक्ट काफी सारे सिनेरियोस में इट टेक्स बेटर पिक्चर्स दैन द आई 12, ट्वेल्व स्पेली जब आपने डे लाइट के uh, you know, को देखा लेकिन आई फोन ट्वेल्व जैसे फ्लैगशिप्स में आपको ऑटो फोकस परफॉर्मेंस यू नो प्रोसेसिंग टाइम्स एंड ऑफ कोर्स कैमरा इज ऑफ यूज ये सब ज़्यादा बेहतर मिल जाता है जब आप कैमरा लेके इमीडिएटली एक पॉइंट एंड शूट करके एक पिक्चर लेना चाहते हो तब आई फोन ट्वेल्व विल भी मोर रिलायबल कंपेयर टू द गैलेक्सी एम बट इट्स नॉट लाइक द गैलेक्सी वन इज बैड इस कैमरा कम्परिजन के साथ फाइनली आप तीन चीज सीख सकते हो पहला यह कि ब्रांड्स दिन रात मेहनत करके आपको एक मिड रेंज फोन में भी धमाकेदार कैमरा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं दूसरा यह पिक्सल में गूगल और एप्पल को आई फोन ट्वेल्व प्रो मैक्स के कैमरा बिकॉज आई फोन ट्वेल्व प्रो मैक्स में एप्पल ने बड़े सेंसर एड कर दिए इस साल फाइनली यह है कि, तो कि आपके हाथ में जो भी फोन हो अस्सी हजार का फोन हो या फिर पच्चीस हजार का फोन हो या फिर पंद्रह हजार का फोन हो अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लोगे तो आपके पिक्चर्स कैमरा के पिक्चर्स बहुत ही बढ़िया निकल सकते हैं थोड़े एफर्ट के साथ ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो द बेसिक रूल्स ऑफ फोटोग्राफी बस वो याद रखना है एंड यू विल गेट गुड पिक्चर्स विद एनी फोन दैट यू हैव तो कैसा लगा कंपेरिजन होकर तो आपको पसंद आया होगा एंड आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस कंपैरिजन के साथ बिकॉज दैट इज ऑल्सो द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो प्लस ऑफ कोर्स अगर आपको और भी कुछ इंप्रूवमेंट्स देखना है कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो देखने तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज ए फ्रॉम माई स्मार्ट प्राइज साइनिंग ऑफ गुड बाय एंड गॉड स्पीड माई फ्रेंड्स